तो बॉलीवुड में इस समय पर कई सारी फिल्में बनती हैं, कई सारी फिल्में फ्लॉप भी होती हैं, कई सारी फिल्में बॉलीवुड में कमाल कर भी जाती हैं और कई सारी नहीं भी कर पाती हैं। ऐसे में भले ही फिल्म फ्लॉप हो या नहीं, लेकिन कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो कि आपके दिल में घर कर जाते हैं, यानी कि वो किरदार हो जाते हैं यादगार। आज ऐसे ही कुछ किरदारों के बारे में बात करूंगी और किसने निभाए थे ये भी बताऊंगी आज इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं रिदम ठाकुर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेडलाइन। मैं आपको बता दूं कि इस लिस्ट की शुरुआत मैं वहां से करूंगी जिस फिल्म को लेकर भले ही कितनी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी हुई हो, लेकिन उसके बावजूद भी इनके किरदार को बेशुमार प्यार दिया गया। इनफैक्ट आज भी इनके बारे में बातचीत होती है। वेल, आपको बता दूं, मैं किसी और की नहीं बल्कि रणवीर सिंह की बात कर रही हूँ। रणवीर सिंह ने फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किया था और जिस कदर उन्होंने इस नेगेटिव किरदार को निभाया था, हर कोई फैन हो गया था। वेल, आपको बता दूं कि इस फिल्म में अगर जान और शान वाली अगर बात कही जाए, भले ही नेगेटिव किरदार है, उसके बावजूद भी रणवीर सिंह यानी कि अलाउद्दीन खिलजी का ही जो कैरेक्टर है उसको सबसे ज्यादा पसंद किया गया था, बहुत ज्यादा तारीफें भी हुई थी। वेल, इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है ऋतिक रोशन का। जी हाँ, ऋतिक रोशन ने अपनी फैमिली फिल्म की थी जिसका नाम था कोई मिल गया। कोई मिल गया में भी रोहन मेहरा का किरदार काफी ज्यादा लाइमलाइट में आया था, इनफैक्ट लोगों को पसंद भी आया था। लेकिन जैसे ही फिल्म क्रिश आई थी, यानी कि कोई मिल गया का दूसरा पार्ट आया था, तो क्रिश का जो साइंस फिक्शन वाला जो किरदार था वो लोगों को बहुत पसंद आया था, क्योंकि लोगों के हिसाब से साइंस फिक्शन वाली फिल्म जो है वो बॉलीवुड में बहुत ही रेयर देखने को मिलती है। ऐसे में ऋतिक रोशन का ये किरदार और अवतार लोगों ने काफी ज्यादा पसंद भी किया था। इनफैक्ट एक यही फिल्म नहीं बल्कि जोधा अकबर में ऋतिक रोशन ने अकबर का भी किरदार किया था ऐश्वर्या राय के संग में। उस फिल्म में भी ऋतिक रोशन को काफी ज्यादा प्यार मिला है और ये है उनके दो ऐसे किरदार जो आज भी याद किए जाते हैं। तीसरे नंबर पर नाम आता है शाहरुख खान का। भाई, यूं तो रोमांस के बादशाह कहा जाता है शाहरुख खान को और कभी भी उन्होंने अपने जोन से हटकर जो फिल्में हैं वो बहुत रेयर ही की है। ऐसे में जब शाहरुख खान की भले ही DDLJ कह लीजिए, कोई भी फिल्म कह लीजिए, सारी फिल्में जो है वो रोमांस से भरी है। एट द एंड रोमांस इज द इम्पोर्टेंट। लेकिन पहली बार ऐसा था कि शाहरुख खान ने अपने जोन से आगे बढ़ के एक फिल्म की थी और इस किरदार को भी यादगार बनाया था। ये फिल्म थी रावण। जी हाँ, रावण में जो साइंस फिक्शन वाला जीवन का किरदार निभाया था शाहरुख खान ने और जिस तरीके का उनका मेकअप था, हर चीज थी, उस किरदार को भी लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया है। इनफैक्ट आज के समय पर ये किरदार भी यादगार है। वाला आपको बता दूं, इतना इतना इसके बेटर जो अगर मैं कहूँ, इससे अच्छा जो है वो कोई और किरदार शाहरुख खान इसके बाद नहीं कर पाया। फिर आप चाहे फैन में कह लीजिए या फिर आप जीरो में कह लीजिए, तो कहीं ना कहीं वो फिक्शन सामने नहीं आ पाए जो कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी, इसीलिए रावण को लोगों ने काफी ज्यादा प्यार भी दिया था। वेल, इस लिस्ट में चौथा नंबर आता है सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का। जी हाँ, इस ये जो नाम है इन्हें तारीफ की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इनके लिए तारीफें भी कम है। लेकिन आपको बता दूं कि इतनी तारीफों और अपनी आवाज दोनों के लिए बुलंदियां पाने वाले अमिताभ बच्चन अपने एक किरदार के लिए काफी यादगार है और ये फिल्म कोई और नहीं बल्कि पा है। जी हाँ, पा फिल्म के अंदर अमिताभ बच्चन ने औरों का किरदार निभाया था और औरों के किरदार को निभाने के लिए अमिताभ बच्चन को जिस जद्दोजहद का सामना करना पड़ा था, उनका मेकअप, उनका स्किन, उनकी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चीजें, इनफैक्ट कई लोगों ने पा के किरदार औरों के किरदार में अमिताभ बच्चन को पहचाना भी नहीं था और उसके बाद से ही अमिताभ बच्चन का ये किरदार भी यादगार हो गया था। वेल, इस लिस्ट में छठे नंबर पर आ जाते हैं अक्षय कुमार। वैसे तो बॉलीवुड में साइंस फिक्शन फिल्में जो है वो बहुत कम पसंद की जाती हैं। इनफैक्ट कहीं ना कहीं कहा जाता है कि हॉलीवुड में जो साइंस फिक्शन फिल्में बनती हैं वो ही अच्छी फिल्में होती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अक्षय कुमार ने साइंस फिक्शन एक और फिल्म की थी जिसका नाम था रॉबर्ट 2.0। इस फिल्म के अंदर अक्षय कुमार ने पक्षी राजन का किरदार किया था और भले ही नेगेटिव किरदार था, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने इस किरदार को काफी ज्यादा पसंद किया था, क्योंकि जो उनकी राय थी जिस वजह से वो नेगेटिव किरदार में आए थे, वो किरदार जो था वो लोगों को काफी पसंद आया था। वेल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस लिस्ट में सातवें नंबर पर आ जाते हैं अजय देवगन। जी हाँ, वेल, हाल ही में साल 2020 की सबसे धमाकेदार फिल्म रही है तानाजी। वेल, आपको बता दूं, इस फिल्म के अंदर अजय देवगन ने तानाजी मानुसाय का ही किरदार किया था और जिस हिसाब से उनकी बुलंद आवाज और किरदार था, इस चीज को लोगों ने काफी पसंद किया था। इनफैक्ट सिर्फ एक इसी किरदार को नहीं बल्कि इस फिल्म के अंदर एक और ऐसा किरदार था, भले ही नेगेटिव नेगेटिव था, लेकिन उनकी भी तारीफें बहुत हुई थी, वो है सैफ अली खान।
वेल ये कुछ ऐसे किरदार हैं जो कि रहे हैं हमेशा से ही यादगार, हो सकता है आने वाले समय में और नए यादगार किरदार आए, और ये भी हो सकता है कि आपके हिसाब से कुछ ऐसे किरदार हो जो मेरी लिस्ट में नहीं हो लेकिन आपकी लिस्ट में हो। वेल कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए चैनल के साथ बॉलीवुड हेडलाइंस में।